नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। मध्य प्रदेश की अहम खबरों का जिक्र करेंगे। सबसे पहले धार की बात करेंगे, जहां बस और ट्रैक्टर की भिड़ंत हो गई है। हादसे में 20 लोग घायल बताए जा रहे हैं। उज्जैन से राजगढ़ ये बस जा रही थी। बदनावर के पेटलावत की ये घटना है और यहाँ पर बस और ट्रैक्टर की भिड़ंत में 20 लोग घायल हो गए हैं। उज्जैन से राजगढ़ ये बस जा रही थी, बदनावर के पेटलावत की ये घटना बताई जा रही है। देखिए तस्वीर उस बस की, जो बुरी तरह क्षतिग्रस्त है। हालांकि 20 लोगों के घायल होने की खबर है। ये भी बस में ही थे क्या? ड्राइवर साहब है। अच्छा, ड्राइवर साहब बस के। इंदौर से खबर, जहां पटवारी पर फायरिंग का मामला सामने आया है। पुलिस ने दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अब तक 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। आरोपियों से लाइसेंसी बंदूक भी जब्त की गई है। बाणगंगा थाना क्षेत्र में फायरिंग हुई थी, जमीन की नपाई के दौरान फायरिंग हुई थी और पुलिस ने गिरफ्तारी की है आरोपियों की। हालांकि अब उनसे पूछताछ के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर फायरिंग के पीछे का मकसद क्या था। पटवारी पर फायरिंग की गई थी, देखिए तस्वीर, फायरिंग की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जिसने फायरिंग की उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इस पूरे मामले में अब तक 3 गिरफ्तारी हो चुकी है। इंदौर का यह मामला बताया जा रहा है, पटवारी पर फायरिंग करने का मामला सामने आया और बिना किसी भी डर के, ना कानून और प्रशासन का डर है, बिना किसी भी तरह के डर के फायरिंग की गई है। और यहां पर पटवारी पर फायरिंग करने वाले को गिरफ्तार कर लिया गया है। और साथ ही देखिए जो कार्रवाई की जा रही है, बुलडोजर का एक्शन भी लिया गया है। दो और आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। टोटल 3 आरोपियों को अब तक इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। मिथिलेश संवाददाता साथ जुड़ चुके हैं। मिथिलेश, क्या जानकारी आपके पास? आखिर क्यों ये फायरिंग की गई थी और अब कार्रवाई के तौर पर सफलता मिली है पुलिस को? देखिए, फायरिंग की जो बात है, फायरिंग जो घटना है जमीन अतिक्रमण को लेकर थी। जब तहसीलदार पटवारी मौके पर पहुंचे और उन्हें स्पेशल कोर्ट का आदेश था कि ये जो जमीन है इस पर अतिक्रमण है और जल्द से जल्द इन अतिक्रमण को हटाओ और जिसका ये जमीन है उसे सौंप दो जमीन के लिए। नप्ती के लिए अधिकारी मौके पर पहुंचे थे और जब नप्ती कर रहे थे उसी दौरान पर सुरेश पटेल के जो गार्ड वहां पे मौजूद थे वो फायरिंग कर देते हैं और जान बचाकर तहसीलदार और पटवारी को मौके से भागना पड़ता है। उसके बाद ये अधिकारी बाणगंगा थाने पहुंचते हैं, FIR दर्ज कराते हैं। फिलहाल इसमें जो आरोपी फरार थे उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। अभी भी एक आरोपी जो है वो गिरफ्त से दूर है। पुलिस कह रही बहुत जल्द उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन हालांकि इस पूरे मामले में बड़ी कार्रवाई की जा रही है, रासुका की कार्रवाई। कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा कि जिस तरीके से तहसीलदार और पटवारी पर फायरिंग हुई, जानलेवा ये हमला हुआ, तो इस पर जो कार्रवाई है वो काफी ठोस होगी, बड़ी होगी, इसलिए इन पर रासुका की कार्रवाई की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ अब प्रशासन तैयारी कर रहा है। सुरेश पटेल के गार्डों ने फायरिंग किया था और सुरेश पटेल ने कई सारे जमीनों पर अतिक्रमण कर रखा है और अतिक्रमण करके कई बड़े बड़े मकान बना रखे, कोठी बना रखा है। अब उन्हें भी तोड़ने की कार्रवाई शुरू हो रही है। बहुत जल्द ऐसे ठिकानों को भी तोड़ा जाएगा जो पूरी तरीके से अवैध है। यानी प्रशासन जो सख्त मोड में नजर आ रहा है, बड़ी कार्रवाई की बात कही जा रही है। बहुत शुक्रिया मिथिलेश, आप बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं दर्शकों को। इंदौर से ही अगली खबर है, जहां हाई टेंशन तार की चपेट में जज का बेटा आ गया है। तिरंगा लगाने के दौरान हादसा हुआ है। जज का घायल बेटा अस्पताल में फिलहाल भर्ती है। बिजली कंपनियों के कर्मचारियों पर केस दर्ज कर दी गई है। देखिए, जहां हाई टेंशन तार की चपेट में जज का बेटा आ गया, तिरंगा लगाने के दौरान ही यह हादसा हुआ। मिथिलेश लगातार जुड़े हमारे साथ। मिथिलेश, सवाल ये है कि हाई टेंशन लाइन की चपेट में जो जज का बेटा है वो आ गया, लेकिन क्या यह हाई टेंशन तार पर किसी की नजर नहीं पड़ी? उसको बीच में ऐसे ही क्यों छोड़ा गया? बहुत बड़ा है, लेकिन इन सवालों में सबसे बड़ा सवाल ये है
कि जब ये पूरा हादसा हुआ तो कार्रवाई भी बहुत ताबड़तोड़ की गई, क्योंकि बेटा एडीजे के थे। जैसे ही पूरा मामला जज के सामने आया, जज ने पूरे मामले में पुलिस अधिकारियों को कार्रवाई करने के निर्देश दिया और तत्काल बड़ी कार्रवाई हुई। लेकिन वहां के रहवासियों का ये कहना है कि इसके पहले भी हम कई बार लिखित में शिकायत कर चुके थे, कई बार लिखित शिकायत दे चुके थे कि जो हाई टेंशन लाइन है घर के सामने से निकली हुई है, मकान के सामने से है, बच्चे कभी भी इसमें घायल हो सकते हैं। और हुआ भी ठीक वैसा ही। उस दिन जो जज के बेटे हैं अपने नानी घर आए हुए थे और यहाँ पर झंडा लगाने दौरान हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गए, घायल है, फिलहाल खतरे से बाहर है, लेकिन इस वक्त निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है। कुछ दिन पहले ही इंदौर के बिचौली ग्राम बिचौली हफ्ती से एक बड़ी घटना सामने आई थी, जब स्कूल बस के अंदर मासूम बच्चे बैठे हुए थे और अचानक से हाई टेंशन लाइन की जो तार है वो टूट कर गिर जाती है। अगर वो तार बस के ऊपर गिरती थी, हादसा और बड़ा हो जाता, क्योंकि बस के अंदर 15 से 20 बच्चे बैठे हुए थे। गांव वालों ने समझदारी दिखाई, तत्काल जो हाई टेंशन लाइन है उसे लकड़ी से वहां से हटाया और धीरे धीरे बस को वहां से बाहर निकाला। लेकिन उस दिन बच्चे घबरा गए थे। बिचौली हफ्ती के जो रहने वाले लोग हैं उन्होंने कहा कि इसकी शिकायत कई बार की गई है। न्यूज 18 जब ग्राउंड जीरो पे पहुंची तो हमने देखा कि जो तार टूटा हुआ था वापिस ऊपर उसे रिपेयर करके वही पेड़ दबा दिया गया, यानी फिर से वही लापरवाही। पहले तो लापरवाही की गई, जब तार टूटा तो फिर बड़ी लापरवाही कि तार को जोड़ा गया और पेड़ से दबा दिया। और इस बार तो जज के जो 10 साल के मासूम बेटे हैं वो हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गए। उपचार चल रहा है, लेकिन रहवासियों का कहना है कई बार शिकायत। फिलहाल जानकारी साझा करने के लिए आगे बढ़ेंगे, बात ग्वालियर की करेंगे, जहां बेटी के साथ पिता की हैवानियत का मामला सामने आया है। पिता ने 18 साल की बेटी को बेल्ट से पीटा है, लड़की के हाथ की 2 उंगलियों में फ्रैक्चर आ गया है। पत्नी से तलाक के बाद बेटियों से हैवानियत की गई, छोटी छोटी बात पर रोज पिटाई करता था। युवती अपनी छोटी बहन के साथ थाने पहुंची, पिता के साथ नहीं रहना चाहती दोनों बेटियां। पिटाई का सीसीटीवी फुटेज भी देखिए सामने आ चुका है, जो बेल्ट से पिता जो है अपनी ही बेटी को मारता हुआ नजर आ रहा है। ये हैवान है। और ऐसे में जनकगंज थाने के हनुमान चौराहे का ये मामला बताया जा रहा है। अब दोनों ही बेटियों का ये कहना है कि उन्हें अपने पिता के साथ नहीं रहना। ऐसे में इस पूरे मामले में कार्रवाई की भी बात की जा रही है कि कार्रवाई हो, मांग की जा रही है कार्रवाई की। पत्नी से तलाक के बाद हैवानियत करता था, दोनों ही बेटियों को भी प्रताड़ित करके रखता है ये पिता, परेशान करता है और बेल्ट से पीटता हुआ नजर आ रहा है। और सीसीटीवी फुटेज भी आप देख सकते हैं। और अब बात भोपाल की करेंगे, जहां ज्वेलरी की दुकान में चोरी हुई है। अयोध्या नगर थाना क्षेत्र में चोरी हुई है, दुकान से 30 लाख कैश और गहनों की चोरी हुई है। कार से चोरों ने वारदात को अंजाम दिया, कार से आए थे चोर, हथियारबंद 7 चोरों ने दुकान से चोरी की है। डी सेक्टर स्थित जैन ज्वेलरी शॉप से चोरी हुई है, पिछले 10 दिनों में तीसरी बड़ी वारदात इसे कह सकते हैं। ये चोर आपको नजर आ रहे हैं, जिसको जो हाथ लग रहा है वही चुराता हुआ नजर आ रहा है। कोई अपनी बनियाइन में छुपा रहा है, तो कोई अपने पॉकेट में छुपा रहा है, तो कोई अपने टी शर्ट में ज्वेलरी को छुपाता हुआ नजर आ रहा है। और यहां से कई सारे चोर जो दाखिल हुए उन्होंने सब कुछ साफ कर दिया है। 30 लाख की चोरी हुई है, देखिए बड़े ही आसानी से ये लोग जो है शटर को ऊपर करके फिर दाखिल होते हैं इस ज्वेलरी शॉप में और फिर चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं। कुछ नकाबपोश हैं तो फिर किसी के चेहरे हल्के खुले हुए हैं, देखा जा सकता है। कोई खौफ नहीं है पुलिस प्रशासन का। 13 तारीख को थाने पे सूचना प्राप्त हुई थी कि D21 बंगले में चोरी की घटना हुई है, तो पुलिस वहाँ मौके पे पहुंची थी। तो हमने वहाँ पाया था कि बगले में एक स्टाफ रहता है, स्टाफ रहते हैं, तो जहाँ वो रहते हैं उस कमरे का ताला वगैरह टूटा था और वहाँ अलमारी और ड्रॉज था, उसको टटोला गया था और उसमें एक ब्रीफकेस रखा हुआ था। उसमें उनके द्वारा बताया गया लगभग 12 से 15 हज़ार रुपये थे वो ले गए हैं, एक लिफाफे में रखे हुए थे। बाकी दस्तावेज वगैरह और भी थे वहाँ पे, तो उन्होंने पूरा देखा है, तो बाकी तो ठीक है। उन्होंने कुछ टटोला था और पैसे लिए हैं। खंडवा के आदिवासी बच्चों का महाराष्ट्र में 25,000 रुपए में बेचने की शिकायत पर प्रशासन का बयान आया है। कलेक्टर की माने तो पड़ताल में इस तरह का कोई भी मामला सामने नहीं आया और मुंदी खालवा के आसपास के आदिवासी क्षेत्रों में जांच और पड़ताल की गई। प्रशासन संभाजीनगर में भी एक टीम भेजकर मामले की पूछताछ करेगा। आपको बता दें कि पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने पीएम मोदी को एक लेटर लिखकर महाराष्ट्र में खंडवा के आदिवासी बच्चे को 25,000 रुपए में बेचने की शिकायत की थी।
जी तथ्य थे उसके आधार पर जब पता करने की कोशिश की तो अभी फिलहाल इस तरीके से कोई भी ऐसी कोई पुष्टि नहीं हो पाई जिससे होता है कि यहाँ के कोई भी, जैसे उसमें मुंदी के लिखा है कि मुंदी के आसपास के जो ट्राइबल एरिया के गांवों से बच्चे वहाँ पे जाके गए हैं, तो जो खबर प्रकाशित उनसे भी चर्चा हुई वो भी ठीक से स्थिति नहीं बता पाए। और साथ ही जब हम लोगों ने अपने मुंदी के आसपास के गांव हैं या खालवा के आसपास के जो ट्राइबल डोमिनेंट जो गांव हैं वहां पर बताया गया, तो फिलहाल इस तरीके की कोई जानकारी की पुष्टि तो नहीं हुई है। फिर भी हम लोग अभी एक टीम बना के भेज रहे हैं संभाजीनगर ताकि देख सके कौन सी कंस्ट्रक्शन साइट पर उसमें कौन कौन से लोग हैं। फिलहाल जो भी हम लोगों ने अभी गाँव के पंचायतों से सीओ जनपद से और महिला यहाँ भी बाल संरक्षण समिति काम करती है उससे बातचीत की, उसके आधार पर कहीं से भी ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा कि इस तरीके की कोई बच्चों को खरीदी फरोख्त का मामला खंडवा जिले का कहीं हुआ है। इंदौर की खबर की बात करेंगे जहां छात्राओं के कपड़े उतारकर जांच पर एक्शन लिया गया है। जया नाम की एक टीचर है जिसके खिलाफ केस दर्ज किया गया। कलेक्टर ने जांच के लिए एक टीम भी गठित की है, कमिटी बनाई है। कमिटी की रिपोर्ट में टीचर जया जो है वो दोषी पाई गई है। बड़ा गणपति स्थित शारदा कन्या स्कूल का यह मामला है। मल्हारगंज थाने में स्कूल टीचर पर मामला दर्ज किया गया है। एफआईआर रजिस्टर की गई है। एक पिछले दिनों एक शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जो कि बड़े गणपति पर स्थित है वहां पर एक घटना हुई थी जिसमें मोबाइल होने की शंका पर बच्चियों को बाथरूम में ले जाकर, नाबालिग बच्चियों को बाथरूम में ले जाकर शिक्षिका के द्वारा उनको चेकिंग की गई थी, उनको निर्वस्त किया गया था। ऐसे आरोप लगे थे जिस पर से की जांच की गई थी। जांच पर ये आरोप पाए जाने से थाना मल्हारगंज में जो शिक्षिका है परिवार के खिलाफ 76 और 79 BNF एवं 75 JJ एक्ट के तहत केस रजिस्टर किया कर इन्वेस्टिगेशन में लिया गया है। विवेचना जा रही है, विवेचना के आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। शिवपुरी जिले के दौरे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पूरी रात जागकर वहीं पर बिताई है। और दरअसल शिवपुरी के कोलारस इलाके में कई जगहों पर लोग बाढ़ में फंसे थे। इन लोगों के रेस्क्यू के लिए ऑपरेशन चलाया जा रहा था। इस दौरान सिंधिया रात भर चले रेस्क्यू ऑपरेशन की मॉनिटरिंग करते रहे और रेस्क्यू टीम से स्थिति का जायजा लेते रहे। उसके बाद सुबह रेस्क्यू कर सुरक्षित लाए गए एक चरवाहे से उन्होंने बात भी की है। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, अब चिंता मत करो, मैं हूँ तुम्हारी सुरक्षा करने के लिए, बिल्कुल चिंता मत करना, ठीक है? और घर पे सबको कह देना मेरी शुभकामनाएं और तुमको सुरक्षित घर पहुंचा दिया, चिंता ना करें, सबको मेरा प्यार दे देना घर पे। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इशारा इशारों में सज्जन सिंह वर्मा पर बड़ा निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कुछ खटमल और मच्छर कह रहे हैं कि भारत में भी बांग्लादेश जैसे हालात हो जाएंगे, पता नहीं इन खटमलों और मच्छरों को कब अकल आएगी। कैलाश विजयवर्गीय स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा है कि ये शेर और शेरनियों का देश है, यहाँ बांग्लादेश जैसे हालात नहीं होंगे। गौरतलब है कि सज्जन सिंह वर्मा ने कहा था कि श्रीलंका और बांग्लादेश के बाद अगला नंबर भारत का है। बांग्लादेश की सरकार की गलत नीतियों की वजह से कल प्रधानमंत्री आवास में घुस गई। और चलिए एक नजर